अजमेर के भामाशाहों द्वारा 1,19,73,055 रुपए की राशि डाली गई। सिर्फ 40 लाख रुपए की राशि का अजमेर में सूखी खाद्य सामग्री के वितरण हेतु उपयोग किया है, बाकी की सारी राशि उन्होंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में भेज दी है। कि जब अजमेर के दानदाताओं द्वारा ये राशि अजमेर के लोगों के लिए, अजमेर के उन गरीब लोगों के लिए दी गई थी, तो इस राशि को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में क्यों भेजा गया? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, कोरोना जब से इस देश में, प्रदेश में पैर पसारे हैं, तब से पूरे देश में और प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड की घोषणा की गई थी, और साथ ही भामाशाहों से आग्रह किया गया था कि वो राशि जो है इस रिलीफ फंड में डालें, और जो हमारे प्रदेश के भामाशाह, उन्होंने इस दान की राशि को प्रदेश में कोरोना से लड़ने हेतु रिलीफ फंड में डाला। और इसी तरह से अजमेर जिला कलेक्टर के राहत कोष में भी अजमेर के भामाशाहों द्वारा 1,19,73,055 रुपए की राशि डाली गई। ये 1,19,73,055 जो रुपए हैं, ये उन भामाशाहों द्वारा दिए गए जिन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी अपनी ओर से राशि डाली है। अजमेर के भामाशाहों द्वारा ये राशि जो दी गई थी, वो अजमेर के ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनको आवश्यकता थी खाद्य सामग्री की, उनके लिए हमारे दानदाताओं ने बहुत बड़ा दिल रख करके और कलेक्टर महोदय को राशि दी। पर कलेक्टर महोदय ने इस 1,19,00,000 रुपए की राशि में से सिर्फ 40 लाख रुपए की राशि का अजमेर में सूखी खाद्य सामग्री के वितरण हेतु उपयोग किया है, बाकी की सारी राशि उन्होंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में भेज दी है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब अजमेर के दानदाताओं द्वारा ये राशि अजमेर के लोगों के लिए, अजमेर के उन गरीब लोगों के लिए दी गई थी, तो इस राशि को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में क्यों भेजा गया? और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से अजमेर में खाद्य सामग्री वितरण हेतु मुख्यमंत्री जी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी अजमेर को। मैं एक फूटी कौड़ी का उल्लेख कर रही हूँ, तो ये क्या अजमेर जिले के साथ अन्याय नहीं है क्या? बाकी जिलों को आप राहत सामग्री हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दे रहे हैं, फिर अजमेर के भामाशाहों द्वारा दी गई राशि को राज्य सरकार क्यों डकारना चाहती है? ये अजमेर के उन गरीब लोगों द्वारा दी गई राशि थी जिसका उपयोग अजमेर के गरीब लोगों के लिए किया जाना था। ये कलेक्टर महोदय ने किस हैसियत से इस राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में ट्रांसफ़र किया? अजमेर कलेक्टर को अजमेर के लिए राशि दी गई थी, ना कि पूरे प्रदेश के लिए राशि दी गई थी। अजमेर के भामाशाहों द्वारा पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दी गई है। ऐसी स्थिति में अजमेर के वो लोग जो आज भी तरस रहे हैं, जो सरकारी बीएलए द्वारा जो सूचियां बनाई गई है, उन सूचियों के अनुसार कहीं कहीं वितरण नहीं हुआ। मैं बूथ संख्या जो 167 है उसकी बात करती हूँ। बूथ संख्या 167 में बीएलए द्वारा 20 से अधिक लोगों के नाम दिए गए खाद्य सामग्री वितरण हेतु, लेकिन सरकार ने उस पर कैंची चला दी। सरकार की मशीनरी ने उसके ऊपर कैंची चला दी कि हम नहीं देंगे, हम तो चुनिंदा ये 6 लोगों को ही देंगे। तो जब दानदाताओं ने राशि दे रही है और इस आपातकाल के लिए दानदाताओं द्वारा राशि दी गई है, फिर वो इसका उपयोग ना करके मुख्यमंत्री जी के रिलीफ फंड में किस हैसियत से जिला कलेक्टर ने भेजी ये राशि? ये अजमेर के उन गरीब लोगों के लिए दानदाताओं द्वारा दी गई राशि थी। उन दानदाताओं की बगैर सहमति के ये राशि जयपुर क्यों भेजी गई? और दूसरी बात, उन दानदाताओं द्वारा पहले से मुख्यमंत्री के राहत कोष में डाली गई है। यदि उनको मुख्यमंत्री के राहत कोष में डालना होता तो वो सीधे मुख्यमंत्री के राहत कोष में डाल सकते थे, उनको जिला कलेक्टर को देने की क्या आवश्यकता थी?
यदि उनको डालना था तो वो सीधे डालते, उनको जिला कलेक्टर को देने की क्या आवश्यकता थी। जिला कलेक्टर को इसलिए दी गई राशि ताकि इस राशि का उपयोग अजमेर जिले के लिए किया जा सके, परंतु ऐसे हमारा जिलाधीश महोदय ने नहीं किया, इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ और साथ ही राज्य सरकार की भी भर्त्सना करती हूँ जिन्होंने इस राशि को लेकर के बैठ गए और वापस अजमेर को नहीं लौटाई ताकि अजमेर के लोगों का इससे भला किया जा सके। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। इस पूरे काल में जो पूरा एक महीने का यह कालखंड बीता है, प्रशासन पूरी तरह से नदारद दिखाई देता है। कोई कार्य योजना नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और इसके कारण से आज अजमेर के लोग परेशान हो रहे हैं।